हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल स्कूली। दोस्तों, आज जो है जो पिछली वीडियो में जहाँ तक छोड़ा था एग्रीकल्चर वाला टॉपिक, उसके बाद कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स रह गई थी वो आज कवर करेंगे। तो बहुत छोटी वीडियो बनाऊंगा मैं और जल्दी जल्दी सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर करूंगा ताकि आपका वक्त ना ज़ाया हो। मुझे पता है कि इस वक्त आपका जो ये वक्त है कीमती है वो, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप। देखिए, अब आगे थी एक कॉटन, ठीक है, राइस, वीट और मेज हमने पढ़ लिए थे। कॉटन जो है ये कैश क्रॉप है, ठीक है, और फाइबर क्रॉप भी है, ये मैंने उस दिन बताया था। फिर इसके ये क्या है, फाइबर क्रॉप, और ये जो है ना वनस्पति इंडस्ट्री में इसका सीड जो है वो यूज होता है, और कॉटन जो है एज ए फॉडर भी यूज होती है, ठीक है। हाईलाइट नहीं हो रहा, ठीक है। कंडीशंस फॉर ग्रोथ, ये इम्पोर्टेंट है कि कॉटन के लिए ग्रो करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरिया में होती है, मतलब इसको टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए, टेम्परेट एरिया में नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, J&K वगैरह में जो कि टेम्परेट एरिया में ज़्यादातर आते हैं, यहाँ पे कॉटन उतना ज़्यादा नहीं पाया जाता, ठीक है। इसको वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए, यानी 21 से 30 डिग्री सेल्सियस तक यूनिफॉर्मली टेम्परेचर चाहिए, और रेनफॉल इसको 50 से 100 सेंटीमीटर तक ऑन एन एवरेज चाहिए, जो कि मतलब कम ही है, उतनी ज़्यादा रेनफॉल इसको नहीं चाहिए। जितना मेज का रेंज रहता था उससे उतना ही है, ठीक है, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा। और जो पंजाब, हरियाणा वगैरह इधर भी पाई जाती है ये, ठीक है, पर ज़्यादा कहाँ है वो दक्कन प्लेटू में। देखो, इसको रेनफॉल जो है इन द बिगनिंग हो तो अच्छा रहता है, उससे जो सीड्स होते हैं इसके वो अच्छे से स्प्रोट होते हैं, और जो क्लाइमेट होना चाहिए, जो वेदर होना चाहिए वो सन्नी होना चाहिए, सूरज की धूप इसको मिलनी चाहिए। कहाँ पे? राइपनिंग के बाद। तो यानी कि बारिश इसके लिए फायदेमंद कब होती है, जब उगाया जाता है, ताकि सीड जब मतलब सो किया जाता है क्रॉप को, और जब इसको हार्वेस्ट करने वाले होते हैं तो उस टाइम धूप चाहिए होती है इसको, ठीक है। क्योंकि अगर उस टाइम मॉइस्ट वेदर होगा, उस टाइम बारिश वगैरह होगी, तो कॉटन की क्रॉप को क्या हो जाता है, पेस्ट अटैक, मतलब कीड़ों का अटैक होता है, जिसकी वजह से वो अच्छा नहीं रहता क्रॉप के लिए। तो इसके लिए इसका मतलब सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल इसको चाहिए उतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, और खासकर इसको रेनफॉल शुरू के वक्त, ग्रो करने के वक्त चाहिए, राइपनिंग के वक्त इसको रेनफॉल नहीं चाहिए, ठीक है। ये देखिए, अनफेवरेबल फैक्टर इसके लिए क्या हो जाएंगे, टेम्परेचर अगर 20 डिग्री से कम होगा तो इसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा कॉटन की नहीं होगी, ठीक है। फ्रॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रॉस्ट इज एन एनिमी नंबर वन ऑफ कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट को फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए जो कोल्ड एरियाज हैं जहाँ पे फ्रॉस्ट होता है, जैसे J&K, उत्तराखंड, वैसे हिली एरिया वगैरह, वहाँ पे कॉटन नहीं उगाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉस्ट हो जाता है, ठीक है, और उस जो जिसको हम बोलते हैं कोरा पड़ना, उसकी वजह से कॉटन की क्रॉप जो है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। और ये देखिए, मॉइस्ट वेदर या बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल एट द टाइम ऑफ बॉल ओपनिंग या पिकिंग, उससे भी डैमेज हो जाती है फाइबर की, मतलब जब क्रॉप को हार्वेस्ट करने वाले होते हैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए। कॉटन क्या है, खरीफ क्रॉप है, ये हमने बताया था, ये याद रखना। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, लार्जली कहाँ पे ग्रो की जाती है, पंजाब, हरियाणा में भी, और महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में कॉटन बहुत ग्रो की जाती है। इसके लिए सूटेबल साइल कौन सी होती हैं, जिनको बोलते हैं रेगूर, ये याद रखना, ब्लैक कॉटन साइल या उसी का दूसरा नाम है रेगूर। तो रेगूर साइल जो होती है, REGUR, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये पूछ सकते हैं किस कौन सी जो क्रॉप है उसके लिए रेगूर साइल जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, वो कौन सी क्रॉप है, वो क्रॉप कॉटन है, ठीक है। कॉटन, इसको ब्लैक कॉटन साइल भी बोला जाता है या डीप ब्लैक साइल भी बोला जाता है, दक्कन प्लेटू में होती है, ये वोल्केनिक साइल होती है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड वगैरह में ये बहुत ज़्यादा रिच होती है, और ये क्ले साइल होती है, क्ले टाइप की, जिसमें जो जिसकी जो परमीएबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन उसमें जो पोर्स होते हैं, जो पोरोसिटी होती है, उसकी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जब उसमें एक बार पानी जाता है तो पानी को एब्जॉर्ब करके रखती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो पानी बहता नहीं है, पानी उसमें जज़्ब रहता है, ठीक
ठीक है, वो पानी इतने ज्यादा उसमें पोर्स होते हैं कि उसमें पानी रहता है, ठीक है, और पोर्स आपस में कनेक्टेड नहीं होते जिसकी वजह से वो ड्रेन उसकी नहीं ड्रेनेज नहीं होती, ठीक है, गर्मी में ये इसलिए जो स्वेल हो जाती है, साइल जब होती है इसमें जब पानी बारिशें होती है तो स्वेल हो जाती है, ठीक है, जब बारिशें कम हो ड्रॉट वगैरह हो तो उस वक्त क्या हो जाता है वो सुकड़ जाती है, उसमें क्रैक आ जाते हैं साइल में, ठीक है। एलुवियल साइल में भी ग्रो किया जाता है लेकिन सबसे बेस्ट साइल इसके लिए रेगुर साइल है, ठीक है। रेगुर साइल कौन सी क्रॉप के लिए बेस्ट है ये भी पूछा जा सकता है। और इसमें क्या है, कॉटन के टाइप, लॉन्ग, देखिए एक लॉन्ग स्टेपल कॉटन होता है जिसका सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट फाइबर होता है, ठीक है, और सबसे ज्यादा महंगा यही बिकता है, इसमें प्राइस लग ज्यादा मतलब, तो इंडिया में देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अबाउट हाफ ऑफ द टोटल कॉटन प्रोड्यूस इन इंडिया इज लॉन्ग स्टेपल, तो इंडिया में लॉन्ग स्टेपल ही कॉटन अगो किया जाता है, मतलब 50% जो कॉटन इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है वो लॉन्ग स्टेपल है, वो अच्छी क्वालिटी का होता है जिसपे प्राइस ज्यादा मिलती है, लेकिन उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं होता जितना इजिप्ट में वो नील की जो बैंक्स हैं उन पे जब उगाया जाता है, ठीक है। फिर एक मीडियम स्टेपल होता है, इसकी लेंथ कितनी होती है थोड़ी कम होती है, ये हमें याद रखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, एक शॉर्ट स्टेपल होता है आपको पता होना चाहिए, इतना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, ठीक है। हरियाणा इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया, तो फर्स्ट कौन सा है वो देख लेते हैं, इन्होंने शायद मुझे लगता है सबसे ज्यादा ये देख लेना या आप लोग खुद चेक कर लेना, ये इस पीडीएफ में नहीं है, मुझे लगता है यहाँ पे पंजाब पहले नंबर, नहीं पंजाब तो फिर बाद में हरियाणा भी दिए, तो महाराष्ट्र वाराष्ट्र होना चाहिए था, नहीं गुजरात, ये अच्छा दिए है, गुजरात में सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, 25% गुजरात में, क्योंकि वहां पे रेगुर जो साइल है ब्लैक कॉटन साइल वो बहुत ज्यादा मिलती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी ब्लैक कॉटन साइल अच्छी खासी मिलती है, तो इस वजह से वहां पे होता, तो ये याद रखना, ठीक है। बोल वार्म कौन से किसकी डिजीज है, तो बोल वार्म जो है ये कॉटन को होती है, कॉटन मतलब ये कीड़ा होता है जो कॉटन को लगता है, और इससे बचने के लिए हमने एक नया टाइप का, ये भी याद रखना, इंडिया में एक ही क्रॉप है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जीएम क्रॉप, ठीक है, उसको बोलते हैं बीटी कॉटन, ठीक है, ये याद रखना, बाकी किसी क्रॉप की यदि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कोई भी हमने इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं हुई है ऑफिशियली, सिर्फ एक क्रॉप है और वो बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन जो है इसको मतलब इस तरीके से उन्होंने मॉडिफाई किया जेनेटिकली, ठीक है, कि इसमें इसको बोलवाम के अगेंस्ट मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, इसको कीड़ा बहुत पेस्ट अटैक बहुत कम होता है, ठीक है, ये ठीक है। देखिए महाराष्ट्र है द लार्जेस्ट एरिया अंडर वो बीटी कॉटन के अंदर, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है कॉटन की उसके अंदर सबसे ज्यादा एरिया जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है, गुजरात में चले हालांकि कॉटन ज्यादा प्रोड्यूस होता है और दूसरे नंबर महाराष्ट्र में, लेकिन बीटी कॉटन जो मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप है वो ज्यादा महाराष्ट्र में उगाई जाती है, ठीक है। देखिए बीटी का फुल फॉर्म है बेसिलस थ्यूरिन जीएनसिस, ठीक है, ये क्या है और ये याद रखना है, जैसे इसने भी लिखा है नॉट बायोटेक्नोलॉजी, वो आपको पूछ सकते हैं बीटी की फुल फॉर्म, और बीटी की फुल फॉर्म में डाल देंगे बायोटेक्नोलॉजी, बी फॉर बायो टी फॉर टेक्नोलॉजी, तो मैक्सिमम बच्चे ये लिख के आ जाएंगे बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी कॉटन, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है, बेसिलस थ्यूरिनजेंसिस ये एक बैक्टीरिया का नाम है जिस बैक्टीरिया से जीन लिया गया है और उस जीन को कॉटन में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ठीक है, ये बेसिलस थ्यूरिनजेंसिस जो है एक बैक्टीरिया है, ये एक मतलब टॉक्सिन क्रिएट करता है इसका जीन, और वो जो टॉक्सिन है वो लिया जाता है और कॉटन की क्रॉप में इंट्रोड्यूस किया जाता है, उस टॉक्सिन से बोलवर्म्स वगैरह जो है वो दूर रहते हैं, मतलब वो अफेक्ट नहीं करते कॉटन को, ठीक है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन जीएम क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, ये ओनली क्रॉप है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, सबसे पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, यूएसए में, ठीक है, और उसके बाद चाइना में आया और फिर 2002 में इंडिया में आया, ठीक है। ये अब नेक्स्ट क्रॉप चलते हैं, बहुत हो गया इस पे, आगे आ गया जूट, जूट भी इंपॉर्टेंट है, जूट देखिए एंटी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कॉटन के बाद सेकंड नंबर पे जूट इम्पॉर्टेंट है, फाइबर क्रॉप है ये किसमें यूज होता है, गनी बैग, ये बोरियां वोरियां बनाने में, रोप्स रस्से बनाने में, कॉर्पट्स हो गई, ठीक है, रग्स वगैरह ये सब चीजें बनाने में यूज होता है। और देखिए कंडीशंस फॉर ग्रोथ क्या है,
हार्ड, इसको तो उससे भी कॉटन से भी ज्यादा क्लाइमेट मतलब हार्ड चाहिए होता। तो ये क्रॉप है हार्ड और ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब बहुत ज्यादा गर्म क्लाइमेट होना चाहिए बहुत ज्यादा, और ह्यूमिड बहुत ज्यादा बारिश भी होनी चाहिए। तो कॉटन से ज्यादा ही याद रखना, कॉटन का 20 से 21 डिग्री, 21 से 25 था इसका, 24 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है इसको, 120 से 150 सेंटीमीटर, मतलब जितनी राइस को ऑन एन एवरेज चाहिए रेनफॉल उतनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये उन्हीं एरिया में उगाया जाएगा जहाँ पे ऐसा हो, मतलब हॉट भी और ह्यूमिड भी हो। तो आपको पता है हॉट और ह्यूमिड ईस्टर्न एरिया ज्यादा है हमारा इंडिया का जो है, वो हॉट भी और ह्यूमिड भी है, मानसून की वजह से वहाँ रेन भी होती है। तो सबसे ज्यादा ये वेस्ट बंगाल वगैरह में उगाया जाता है, वेस्ट बंगाल तो इसके लिए जाना जाता है। ठीक है, सोइंग, इसकी जो सोइंग की जाती है वो प्री मानसून सीजन में की जाती है, मतलब जो जो जून में आती है मानसून, तो जून से पहले ही, अप्रैल मई वगैरह में, मार्च अप्रैल मई में इसको उगा दिया जाता है। ठीक है, और क्या मतलब, अच्छा फेबरवरी में, ये बोला फेबरवरी में उगा देते हैं और अक्टूबर में हार्वेस्ट करते हैं, फेबरवरी में उगाते हैं इसको। ठीक है, और अक्टूबर में हार्वेस्ट करते हैं। एलुवियल सॉइल चाहिए, तो आपको पता है वेस्ट बंगाल में एलुवियल सॉइल भी बहुत ज्यादा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की वजह से। और काटन और जूट दोनों ही सॉइल के लिए नुकसानदायक है, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसे बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट ले लेते हैं तो फर्टिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ जूट, छोड़िए, अच्छा ये रेटिंग एक प्रोसेस, जैसे मैंने बोला था शुगर केन में रेटूनिंग यूज हो सकता है, RATOONING, रेटूनिंग प्रोसेस किस में यूज होता है, शुगर केन को ग्रो करने में। उसी तरीके से रेटिंग पूछ सकते हैं किसमें यूज होता है, रेटिंग होता है किसमें, जूट में। रेटिंग बेसिकली होता क्या है, जूट को, जूट के जो फाइबर निकाले जाते हैं, फाइबर जब हार्वेस्ट किया जाता है तो उसको पानी में डुबो के रख दिया जाता है काफी टाइम के लिए। ठीक है, थोड़ा उसमें साफ हो जाता है, वो सीधा हो जाता है, तो वो उसको बोलते हैं रेटिंग। ठीक है, रेटिंग किस में यूज होता है, जूट में, आपको पता होना चाहिए इतना। वेस्ट बंगाल जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 75% जूट जो है वो वेस्ट बंगाल से आता है, सेकंड नंबर पे बिहार है। ठीक है, लेकिन इंडिया इम्पोर्ट करता है रा, ये याद करना है, रा जूट जो है इंडिया बांग्लादेश से इम्पोर्ट करता है, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर जो है वो बांग्लादेश आ गया, और इंडिया सेकंड नंबर पे होगा शायद। ठीक है, ये देख लेना, ये सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर वगैरह। अच्छा, ये हुगली बेसिन, वहां पे ना वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर है, तो हुगली बेसिन में बहुत सारी जूट मिल्स हैं, तो वो हुगली बेसिन जो है उसमें कौन सी क्रॉप ज्यादा उगाई जाती है वो उसमें आ जाएगा, कौन सी, जूट क्रॉप। ठीक है, क्योंकि वहां हुगली रिवर वेस्ट बंगाल में। फिर आगे शुगर केन आ गया, जिसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। इंडिया में सबसे ज्यादा शुगर केन की मैंने बोला था, देखो तीन टाइप के उसके बाय प्रोडक्ट हैं, मोलेसिस जिसके अल्कोहल बनाते थे, बगैसी वगैरह, ठीक है, और प्रेस मड, प्रेस मड फ्यूल के तौर पे यूज होता था, बगैसी से हम कार्डबोर्ड वगैरह बनाते थे। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंडिया में 2/3 जो इंडिया का शुगर केन है, ठीक है, तो शुगर केन है जो बाय प्रोडक्ट नहीं, शुगर केन को वो यूज किया जाता है जैगरी, गुड़ वगैरह बनाने के लिए, और खंड, खंड बनाने के लिए। ठीक है, और उस मतलब 2/3 66%, और बाकी का जो कम 33% वो शुगर, वो चीनी के लिए यूज होता है। इंडिया में मैक्सिमम गुड़ और खंड बनाने के लिए यूज होता है। ये मोलासिस ऐसा दिखता है, ठीक है, ये काला सा, जिससे शराब बनती है, अल्कोहल, अल्कोहल को इथेनॉल वगैरह भी बोल सकते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम, देखिए ये भी याद रखना, पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो होती है, ये पेट्रोल, पेट्रोल में आजकल मिक्स करते हैं इसी को, एथेनॉल को, ठीक है, एथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से हमें पेट्रोल, मतलब ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, मोलेसिस इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे से अचीव किया जाता है, तो जब एथेनॉल, इसको एथेनॉल ब्लेंडिंग भी बोलते हैं, तो पेट्रोल में जब एथेनॉल डाल दिया जाता है तो उसकी वजह से हमें पेट्रोल इम्पोर्ट भी कम करना पड़ता है, और पेट्रोल की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड भी कम निकलेगी, ग्रीन हाउस गैसेज कम निकलेगी, तो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता है। बगैसी हमने बोला था पेपर बनाने के लिए, कार्डबोर्ड बनाने के लिए, फ्यूल के लिए, ठीक है, पेपर, पेपर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। प्रेस, हाँ प्रेस मैट जो है फ्यूल के लिए भी बगैसी होता है, पेपर के लिए प्रेस मैट जो है वो साइल में यूज होता था, ठीक है, कंपोस्टिंग वगैरह करने के लिए। शुगर केन ट्रॉपिकल क्रॉप है, ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया में होता है, इसलिए मैंने बोला था साउथ इंडिया ज्यादा इसके लिए फेवरेबल है, नॉर्थ इंडिया नहीं है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में फिर भी ज्यादा उगाया जाता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में चीप लेबर वगैरह अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो शुगर, हम चीनी जो है ना, वो शुगर बीट एक क्रॉप होती है, उससे भी उगाते हैं, और शुगर बीट टेम्परेट है, वो वाली क्रॉप जो है वो मतलब टेम्परेट एरिया में होती है। ठीक है, 10 से 18 महीने में मैच्योर हो जाती है शुगर केन की क्रॉप, ठीक है, फाइबरस क्रॉप है,
बहुत ज्यादा रेनफॉल अगर होंगी तो लो शुगर कंटेंट होगा, इसलिए ज्यादा रेनफॉल इसको नहीं चाहिए। टेम्परेचर अबोव 20 डिग्री सेल्सियस कंबाइंड विद ओपन स्काई ये चाहिए होता है इसको, जो ठीक है 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चाहिए होता है, उससे इसमें बहुत ज्यादा जूस आता है शुगर केन में। राइपनिंग के वक्त ये ड्राई होना चाहिए, ठीक है, जैसे कॉटन था, सोइंग के वक्त बारिश चाहिए, तो राइपनिंग के वक्त कॉटन, ठीक है। अरे एक्सक्यूज मी, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हो गया, ठीक है। तो साउथ इंडिया आइडियल है इसके लिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे लू एब्सेंट होता है। तो लू, देखिए लू का याद रखना, ये जो लू चलती है, ये गर्म हवा, ये शुगर केन के लिए बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। शुगर जैसे काटन के लिए बोलवर्म खतरनाक है, फ्रॉस्ट खतरनाक है, उसी तरीके से जो लू हवा है ये सबसे बड़ी दुश्मन है किसकी, कॉटन की, वो शुगर केन की। इसलिए शुगर केन साउथ इंडिया में ज्यादा आइडियल है, वहां पे उगाना चाहिए था बट वहां पे उगाया नहीं जाता, आजकल बस शिफ्ट हो रहा है, और वहां पे क्योंकि लू नहीं आती है, ठीक है। साइल इसके लिए कौन सी चाहिए, एनी काइंड ऑफ साइल, कोई भी चलेगी तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर इसमें हम देखते हैं ये, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है शुगर केन की, ब्राजील, ठीक है। ब्राजील दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। तो इंडिया क्या है, इंडिया का देखते हैं, इंडिया में एरिया सबसे अंदर ज्यादा है, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया शुगर केन के अंदर कौन सी कंट्री में, इंडिया में, लेकिन इंडिया प्रोड्यूस उतना नहीं करता। इसका मतलब क्या है, एरिया ज्यादा एरिया पे, इंडिया पे क्रॉप उगाई जाती है लेकिन प्रोड्यूस प्रोडक्शन ब्राजील की ज्यादा है, तो इसका मतलब है इंडिया में प्रोडक्टिविटी कम है, ठीक है, पर यूनिट एरिया इंडिया में कम प्रोडक्टिव होती है, प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन कम होती है, तो इंडिया में, इंडिया ब्राजील के पीछे है, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन कौन है, ब्राजील, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, शुगर बोल किसको बोलते हैं दुनिया का, वो क्यूबा है, ठीक है। ये देखिए रेटूनिंग प्रोसेस के, इसमें ये क्या होता है रेटूनिंग प्रोसेस, ये आपको पढ़ने की जरूरत, मैंने बताया वो कैसे उगाते हैं, ऑलरेडी कुछ क्रॉप जो है छोड़ देते हैं उसको, ठीक है, वो आपको पढ़ना नहीं, बस याद रखना शुगर केन से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, अच्छा तंबाकू, तंबाकू इम्पोर्टेंट है, तंबाकू जो है इसके बारे में क्या इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में ये इम्पोर्टेंट है कि इंडिया में तंबाकू कौन लेकर आए थे, पोर्टुगीज पीपल, ठीक है, पुर्तगाल, उर्दू में बोलते हैं, उस वो जो आए थे वास्को डी गामा मामा, ठीक है, वो अपने साथ 1508 में, डेट अपने याद नहीं रखनी है, तंबाकू उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। मेनली किस लिए यूज होता है तंबाकू, स्मोकिंग के लिए, ठीक है, और इससे इंसेक्टिसाइड भी बनाए जाते हैं, कीड़े मारने की दवाएं भी बनाई जाती हैं। इसको ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, ये भी ट्रॉपिकल एरिया की क्रॉप है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, कॉटन, शुगर केन और तंबाकू भी उनकी तरह ये भी ट्रॉपिकल एरिया में होता है। टेम्परेचर इसको वाइड रेंज, मतलब उतना ज्यादा कोई टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि 20 से होना ही चाहिए ऊपर, जैसे कॉटन के में था ना वैसा नहीं, 16 से 35 तक इतना भी हो सकता है, तो टेम्परेचर उतना ज्यादा इस पे इम्पेक्ट नहीं करता, ठीक है। 100 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर से ऑन एन एवरेज इसको रेनफॉल हाई चाहिए होती है, और हाई एरिया पे भी फ्रॉस्ट इसके लिए भी खतरनाक है। रेनलेस पीरियड हेल्प, जब क्योरिंग स्टेज इसका एक होता है उस पे इसको बारिश की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और क्या है, साइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, साइल इसके लिए कौन सी होनी चाहिए, वेल ड्रेन, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब वेल ड्रेन, मतलब इसमें वो कॉटन वाली साइल नहीं चलेगी, इसकी साइल में पानी पड़े बस निकले, ड्रेन हो जाना चाहिए इमीडिएटली, ठीक है, मतलब सेंडी टाइप की साइल होनी चाहिए, सेंड होती है ना, सेंड में पानी रुकता नहीं है, तो इसलिए सेंडी लूम, सेंडी लूम कॉटन के लिए बेस्ट है। इसी तरीके से जो चाय होती है, टी, कॉफी, उसके लिए भी ऐसी साइल चाहिए होती है जहाँ पे वेल ड्रेन हो, ठीक है। इसलिए कॉफी और चाय ज्यादातर वो स्लोप्स में उगाई जाती है, क्योंकि स्लोप से क्या होता है, जो भी बारिश पड़ती है, बारिश पानी बह जाता है, तो हिल के स्लोप पे ज्यादातर वो उगाई जाती है, ठीक है। तंबाकू की ये निकोटिनिया तोबाकम, ये तंबाकू की मतलब एक वेराइटी है, टाइप है, और दूसरी है निकोटीना रस्टिका, इंडिया में यही दो उगाई जाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट तंबाकू सबसे ज्यादा गुजरात में उगाया जाता है, बस इतना याद रखना है, गुजरात में भी ये वडोदरा और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा आयल सीड क्रॉप्स में अगर कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जल्दी जल्दी,
ऑयल सीड में, ऑयल सीड में देखिए, ओवरऑल ऑयल सीड में इंडिया इम्पोर्टर है, उतनी ज्यादा इंडिया में प्रोडक्शन नहीं होती है, ठीक है, लेकिन एरिया इंडिया में सबसे ज्यादा है। जैसे वो था शुगर केन में, एरिया जो है नेटसून एरिया, वो बहुत ज्यादा है इंडिया के, इंडिया में सबसे ज्यादा है, और लेकिन प्रोडक्शन में इंडिया इतना ज्यादा नहीं है, और इंडिया को इम्पोर्ट करना पड़ता है। मध्य प्रदेश वगैरह में बहुत ज्यादा ऑयल सीड उगाया जाता है इंडिया में। ग्राउंड नट वगैरह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, शीशम वगैरह इम्पोर्टेंट नहीं है, बट शीशम का याद रखना है, ये रबी, ठीक है, लीन सीड वगैरह ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, जो आएगा इम्पोर्टेंट मैं वो बताता हूँ आपको। ऑयल इंडस्ट्री वगैरह कुछ नहीं इम्पोर्टेंट, प्लांटेशन क्रॉप, हाँ ये चाय इम्पोर्टेंट है, टी और कॉफी बात किया था इम्पोर्टेंट, ये दोनों बता देता हूँ। टी क्या होता है, इट कंटेन्स थीन, ये कुछ होता है, दफा मारो इसको। एंड देखो इंडिया में इंडिजिनियस नहीं है टी, टी सब इंडिजिनियस कहाँ पे है, का चाइना का, मतलब टी एक्चुअली चाइना में उगाई जाती थी, इंडिया में टी इंट्रोड्यूस किया 1840 में, 1840 में भाई, 1840 से पहले इंडिया में चाय वाय का सिस्टम नहीं था, ठीक है, उस टाइम यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी चाय की प्लांटेशन। कहाँ पे वो प्लांटेशन इंट्रोड्यूस की ब्रिटिश ने, पीपल ने, अपर आसाम में, ठीक है, मतलब ब्रह्मपुत्र वैली में, आसाम से कौन सा रिवर जाता है, ब्रह्मपुत्र, और लोअर आसाम दार्जिलिंग एरिया वाले में भी, ठीक है, वहां पे टी प्लांटेशन लेटर एरिया में आई, पहले अपर आसाम में, फिर दार्जिलिंग वाले एरिया में बाद में इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, और फिर नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु और केरला में, ठीक है, तो वहां पे बाद में इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, और सम प्लेसेस इन हिमाचल प्रदेश में भी चाय अच्छी खासी उगाई जाती है। कंडीशन फॉर ग्रोप टी ट्रॉपिकल एरिया और सब ट्रॉपिकल एरिया की क्रॉप है, तो टेम्परेट एरिया में, जम्मू कश्मीर वाले टाइप के एरिया में चाय नहीं उगाई जाती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर फाउंड एट एलिवेशन, मतलब हाई हिली, देखो होना चाहिए ट्रॉपिकल का एरिया, सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल, जहाँ पे मतलब समर सीजन बहुत ज्यादा लंबा होता है, ठीक है, बट वहां पे क्या होना चाहिए, एलिवेटेड एरिया होना चाहिए, मतलब प्लेटो टाइप होना चाहिए, हिल टाइप होना चाहिए, ठीक है, और साइल की ड्रेनेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब पान, ये मैंने पहले ही बताया था, इसीलिए उसको स्लोप्स पे थोड़ा उगाया जाता है, ठीक है। थ्राइव्स वेल इन हॉट, टेम्परेचर अच्छा खासा होना चाहिए और ह्यूमिड, बारिश भी अच्छी खासी होनी चाहिए, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल में वही चीज ज्यादा होती है, बारिश भी अच्छी खासी होती है और हॉट होता है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि देखो जब बोल दिया कि सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल क्रॉप है, तो इसका मतलब उसको टेम्परेचर अच्छा खासा चाहिए और बारिश भी अच्छी खासी चाहिए, क्योंकि समर में ही तो ज़्यादा बारिश होती है मानसून की वजह से, लेकिन रेनफॉल वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा नहीं है कि 100 सेंटीमीटर इसको रेनफॉल चाहिए और वो 10 दिन में ही होगी, नहीं, उसको वेल डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ओवर द ईयर, जब तक इसका सीजन रहता है, थोड़ी 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 करके ऐसे हर वक्त उसको, मतलब हर महीने में जो है बारिश चाहिए होती है, ह्यूमिडिटी अच्छी खासी होनी चाहिए, ड्यू शबनम बोलते हैं जिसको, ठीक है, हैवी ड्यू एंड मॉर्निंग फॉग फेवर, ये याद रखना, देखिए नॉर्मली ऐसा लगता है कि ये जो शबनम गिरती है और ये जो धुंध होती है, धुंध से क्राप तबाह हो जाएगी, नहीं, चाय की जो क्राप है ये ऐसी क्राप है भाई, ये उसमें उसके लिए फायदेमंद है, तो ड्यू एंड फॉग, ठीक है, ये किसके लिए फायदेमंद है, ये चाय में, टी के लिए, टी के प्लांट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है, इसीलिए जो समुन्द्र के किनारे जो एरिया होगा, जैसे नीलगिरी वाला एरिया समुद्र से नजदीक है, तो वहां पे बहुत अच्छी ब्रीज वगैरह मिलती है, फॉग वॉग वहां पे क्रिएट होती है, जिसकी वजह से वो मतलब अच्छी खासी वहां पे प्रोटेक्शन हो जाती है, और ये शेड लविंग प्लांट है, ये याद रखना, टेम्परेचर इसको हाई चाहिए लेकिन सनलाइट नहीं चाहिए, शेड मतलब ट्री वगैरह की शेड पे होना चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट इस पे नहीं पड़ना चाहिए, वरना ये ट्री का जो पत्ता है तो होता है, लीफ होता है, उसको नुकसान होता है, वो बर्न हो जाता है, ठीक है, तो ये याद रखना, शेड लविंग प्लांट है, मतलब साया, साया इसको बहुत पसंद है, किसको, चाय वाले को। साइल वगैरह में जो है ह्यूमस बहुत होना चाहिए, ह्यूमस होता है मतलब पेड़ पत्ते वगैरह से जो गल वल जाते हैं ना, जो मतलब उनकी क्या हो जाती है, मिनरलाइजेशन हो जाती है या डिकम्पोजिशन हो जाती है ऑर्गेनिक कंटेंट की, तो वो साइल में जब होता है तो उसको ह्यूमस साइल बोलते हैं, ठीक है, वैसी साइल जो जो फॉरेस्ट साइल मतलब होती है, वो इसके लिए अच्छी खासी होती है। इंडिया में फ्लेवर टी के बहुत ज़्यादा मशहूर कौन सा है, दार्जिलिंग, ठीक है, दार्जिलिंग कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल के नॉर्थ नॉर्थ पे, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, ठीक है, लेकिन इसको पानी रुका हो, ये तो मैंने पहले बोल दिया, इसको वेल ड्रेन साइल चाहिए, अगर स्टेगनेंट वाटर होगा, जिसको वाटर लॉगिंग कंडीशन बोलते हैं, बहुत ज्यादा गारे वाली साइल, तो वहां पे क्राप बिल्कुल नहीं उगाई जा सकती, ठीक है, टी
टी कैन नॉट बी ग्रोन, प्लेन एरिया में टी नहीं उगाई जा सकती। मैंने पहले बोला स्लोपी एरिया होना चाहिए, थोड़ा सा हिली एरिया होना चाहिए, इसीलिए वैली में होती है। नीलगिरी वैली, नीलगिरी हिल है, दार्जिलिंग हिल्स है वहां पे, आसाम की जो वैली है वहां पे भी वैली में, मतलब स्लोपी एरिया पे, ठीक है। और क्या है, और ये याद रखना चाय के लिए फ्रास्ट नहीं, फ्रास्ट तो किसी भी क्लास वो उसके लिए फ्रॉग के लिए फायदेमंद नहीं है, चाय के लिए याद रखना फ्रास्ट नहीं फॉग, धुंध, फ्रास्ट होता है कोहरा, वो नहीं, फॉग अच्छी रहती है और ड्यू यानी शबनम अच्छी रहती है, ठीक है। सुरमा वैली कहाँ पे है, उसमें भी बहुत ज्यादा उगाई जाती है चाय। सुरमा वैली लाइंग इन द कच्छर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कच्छर डिस्ट्रिक्ट में है ये, मुझे लगता है कच्छर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में होगा या आसाम में होगा, यार इतना मुझे भी नहीं पता। मुझे लगता है वेस्ट बंगाल में है कच्छर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये देख लेना सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया में कौन है, आसाम। 50% जो इंडिया में चाय उगाई जाती है वो आसाम में होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे इंडिया में वेस्ट बंगाल आता है चाय उगाने में, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद आगे ग्रीन टी वगैरह छोड़ो, कॉफी, कॉफी इंपॉर्टेंट है, कॉफी की कुछ एक, ये ज्यादातर टी की तरह ही होता है, मतलब वैसे ही इसकी कंडीशन चाहिए होती है। इसको देखो इनको बेवरेज क्रॉप भी बोलते हैं, कॉफी और टी को, मतलब पीने के लिए जो ये चाय वाय बनती है, ठीक है। ये इंडिजीनियस कहाँ की है, जैसे टी इंडिजीनियसली कहाँ पाई जाती थी, चाइना में, फिर इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई। कॉफी भी इंडिया में नहीं पाई जाती थी, कॉफी इथोपिया में, इजिप्ट में है ना इथोपिया, ठीक है, रेड सी के पास, जिसको एबिसिनिया भी बोला जाता है, तो वहां पे पाई जाती थी, वहां से इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है। ब्राट इसके जो सीड थे इंडिया में कौन लेके आया, बाबा बुडन, बाबा बुडन एक था, ठीक है, ये सेंट था एक सूफी, वो इंडिया में लेके आया, और बाबा बुडन हिल कर्नाटका में, याद रखना, तो वहां पे वो इसी के लिए मशहूर है क्योंकि वहां पे कॉफी उगाई जाती है, बाबा बुडन हिल, ठीक है, ऑफ कर्नाटका, वहां पे ये कॉफी की क्रॉप सबसे पहले स्टार्ट की कर्नाटका में, ठीक है। और ये चीक मंगलोर एरिया जो है वहाँ कर्नाटका का, वहां पे कॉफी बहुत जगह उगाई जाती है। वायनाड एरिया केरला का, उसमें उगाई जाती है। नीलगिरी तमिलनाडु में, उसमें बहुत ज्यादा उगाई जाती है कॉफी, ठीक है। तो ये सारी हिल हिल ने देखो, तो मैंने बोला टी और का, ये ज्यादातर प्लेन एरिया में नहीं उगाई जाती। लाइट टी इसको भी शेड शेड बहुत पसंद है, ठीक है। हार्ट इसको भी चाहिए और ह्यूमिड इसको भी चाहिए, जैसे चाय का होता है, ठीक है। डज नॉट टॉलरेट फ्रॉस्ट, फरास्ट नहीं होनी चाहिए, वो चाय के लिए भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फॉग और ड्यू वहां पे चाय में चलते थे। स्टेगनेंट वाटर इसमें भी नहीं होना चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, मतलब स्लोप, हिल के स्लोप पे पाया जाता है, सेम चाय की तरह, ठीक है। बस याद रखना है इंडिया में कौन कौन सी, इंडिया 7वें नंबर पे है, तो कॉफी में इंडिया को नंबर 1 नहीं कर देना, कॉफी में नंबर 1 मुझे लगता है ब्राजील होगा, इंडिया तो 7वें नंबर पे है, ठीक है। कॉफी में शायद नंबर 1 पे ब्राजील है, हाँ ब्राजील में 25%, ब्राजील टॉप पे है, तो इंडिया 7वें नंबर पे है, तो कॉफी वाफी में इंडिया उतना नहीं है, ठीक है। और इंडिया में कौन सी कॉफी सबसे ज्यादा, इंडिया में देखो ये पूछ सकते हैं, अरेबिका और रोबस्टा किस चीज की वैरायटी है, टी की, कॉफी की, तंबाकू की, है ना, कॉटन की। तो आपको याद रखना अरेबिका कॉफी और रोबस्टा, ये दोनों कॉफी की वेराइटीज हैं, तो ये पूछ सकते हैं। और इंडिया में सबसे ज्यादा रोबस्टा उगाई जाती है 51%, और उससे थोड़ी सी कम अरेबिका उगाई जाती है, ठीक है। ज्यादातर कॉफी की जो प्लांटेशन होती है वो इंडिया में, साउथ इंडिया में होती है, मतलब तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, बस वहीं पे होती है ज्यादातर, मैक्सिमम वहीं पे होती है। और सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोड्यूसर कौन सा, लार्जेस्ट कर्नाटका 71%, ठीक है। 71 और 22 आ गया केरला, ठीक है, और ये आ गया 93% और 6.5% तमिलनाडु, तो मतलब 98 to 99% कॉफी जो है वो साउथ इंडिया में ही होती है, ठीक है। और इंडिया एक्सपोर्ट करता है कॉफी को, चाहे कम उगाता है साथ फिर भी उगाता है। रबड़ भी साउथ इंडिया में ही है, तो रबड़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतनी ही इंपॉर्टेंट है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो मिलते हैं नई वीडियो जब मैं लेके आऊंगा उसमें मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतने काफी, वीडियो पसंद हो आए तो इसको जरा जरा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, ठीक है, शुक्रिया।